ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज कमोडिटी मार्केट्स में कैसे होगी कमाई, एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। अनुज हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए सर, कैसे बनेगा पैसा आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी, हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है वो कंटिन्यूस बनती हुई दिखाई दी है, और अब डॉलर इंडेक्स जो 99 की नीचे आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है कि उसका इंपैक्ट गोल्ड पर पॉजिटिव पड़ना चाहिए। मैंने कल भी देखा था कि इंडियन रुपीज पॉजिटिव साइड में था, हमें लगता है कि आज भी ट्रेंड गोल्ड का ऊपर की तरफ होता हुआ दिखाई देगा। तो इंट्राडे के लिए मुझे लगता है और वीकली पर्सपेक्टिव दोनों ही मुझे लगते हैं कि बाइंग साइड में रहना चाहिए। हमें लगता है कि 29,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो गोल्ड खरीदने के मौके ढूंढें। ध्यान रखें वो हेल्थ केयर बिल टलने के बाद से डॉलर इंडेक्स में जो लगातार कमजोरी आ रही है उससे सोने को सपोर्ट मिल रहा है, 29,000 तक का लक्ष्य होगा। और कच्चा तेल सर, क्या रणनीति वहां पर? देखिए क्रूड में कंटिन्यूस इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई दिखाई दी है हमें लगता है, और यूएस में जो ऑयल रिग्स काउंट है वो भी यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि उसका इंपैक्ट नेगेटिव रहेगा क्रूड पे, तो क्रूड में हमें लगता है कि सेल करके चलना चाहिए और वीकली बेसिस में भी क्रूड में स्विकवाली करनी चाहिए। इंटरडे हमें लगता है कि नीचे करीबन 3,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा मैंने आपसे पूछा था आज की टॉप स्ट्रेटजीज, तो आप गोल्ड बोलकर रुक गए, तो टॉप स्ट्रेटजी गोल्ड ज्यादा कॉन्फिडेंस है और क्रूड उसके बाद सेकंड बेस्ट स्ट्रेटजी, ऐसा है क्या? डेफिनेटली बुलियन से मुझे लगता है कि ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे बाइंग साइड में करने के लिए, गोल्ड सिल्वर बाय करके चल सकते हैं। वही इसीलिए मैंने पूछा। सोने में खरीदारी करें 29,000 का लक्ष्य, कच्चे तेल को बेचें 3,050 तक के टारगेट्स के लिए। अनुज आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ब्रोकरेजेस के रडार पर आज क्या है ये बताऊंगा।